तुम्हारी तैयारी हो गई? परसों एग्जाम है यूपीएससी का हमारा। कर तो रही हूँ तैयारी, याद ही नहीं हो रहा कुछ। पिछली बार हमारा 2-3 नंबर से रह गया था, इस बार भी नहीं हुआ ना, तो टेंशन हो रही। चलो रिवाइज करो जल्दी से, देखते हैं कुछ हो जाए तो। अभी अरे सर भी आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या पढ़ाई चल रही है? वही सर, हम डिस्कस कर रहे थे कि परसों एग्जाम है तो इस बार अच्छे से हो जाए। क्या बार रह गया था। चलो देखते हैं कि क्या तैयारी है तुम्हारी आज। कल दिया था नंबर थी, मतलब कर अभी रिवीजन बाकी है। अरे रिवीजन कब करोगे? कल जो दिया था रिवीजन करने के लिए वो भी नहीं किया। वो किया था थोड़ा सा, देखते हैं क्या नहीं हो पाया। बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर ये वाला, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं पता तुम्हें? हैं करते क्या हो तुम? मतलब तुम्हें ये छोटा सा जो क्वेश्चन है उसका भी नहीं पता? ये तो मतलब फिफ्थ क्लास का वो भी होगा ना स्टूडेंट, वो भी बता देगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। पता नहीं क्या करते रहते हैं, पढ़ते हैं क्या करते हैं। 2 दिन बाद एग्जाम है। आप बताओ आपने क्या किया है? मैंने भी सर याद किया। बताओ बताओ मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम्हें? अब ये इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं आते। क्या करते क्या हो है? करते क्या हो तुम? पढ़ते हो, मजाक करते हो? फैशन करा लो कितना भी, बस बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जीता था? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बताओ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बताओ। साइंटिफिक नेम ह्यूमन का ये मैंने पढ़ा था कल। हाँ तो बताओ बताओ बताओ। एक मिनट सर, वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। अरे बताओ इतनी देर में तो 10 क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। राणा टिग्रिना था। राणा टिग्रिना इसका है? मैंने कल पढ़ा था। अरे तुमने पढ़ा था तो तुमने राणा टिग्रिना पढ़ा तुमने? राणा टिग्रिना दिखता किसका है? मैं डक्का राणा टिग्रिना नहीं नजर आता तुम होमोस। तुम तो साइंटिफिक नेम तुम्हें भी नहीं आता। अब तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? अरे क्यों नहीं आ रहा तुम्हें ये बताओ मुझे। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बिल्कुल नहीं, क्या है आज इतना छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता? तीन क्वेश्चन पूछे, तीनों का किसी कौन से निकला? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आपकी बार में। पर ये फोन चला रही है। क्या है? सर मैं बस वो चेक कर रही थी ह्यूमन का नेम। बैठो। ह्यूमन का नेम चेक कर रहे हैं। वो बता दो दीजिए क्या है रियल। बताया तो होमो सेपियंस। ओके। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। दो बार जो बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार ही बोलना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री सर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल है? अरविंद केजरीवाल भारत का प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल है। तुम बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सीखो कुछ।
हेलो ऐसा नो हाँ तुम बताओ अगला क्वेश्चन कि अगर एक केला 3 रुपए के आता है तो 2.5 केले कितने के आए बताते मुझे पहले अपना ही क्वेश्चन का आंसर बता लो हाँ तो करो सॉरी रेज योर हैंड हाँ तो करो स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ये जिससे पूछा जाए वो ये बताएगा हाँ तुम क्यों हंस रहे थे जब मैं इनको पिटाई मतलब इनको पिटाई लग रही थी तो हाँ नहीं हंस रही सर नहीं सर मैंने नहीं हंसा अगला क्वेश्चन का आंसर दो तुम बताओगे बात अगर 3 रुपए का एक केला है तो 5.5 किले कितने के आएंगे 3 रुपए का एक केला है 5.5 किले कितने के आएंगे सर आधा केला हाँ तो आधा केला बेच रहा है वो अच्छा सॉरी मुझे लगा आप भूल गए 100 के 100 हाफ का कुछ डिस्काउंट होगा ना रेज योर हैंड सॉरी करो खड़े सॉरी सर खड़े करो सॉरी हाथ खड़े करो ऊपर तुम बताओ ये क्या मजाक चल रहा है मतलब मैं पिटाई कर रहा हूँ तुम हंस हंस हंसते क्यों रहे हो तुम बार बार तुम्हें नहीं वो पिटाई हो रही नहीं सर मैं तो नहीं हंसी नहीं सर मैं भी हंस रही थी और कौन हंस रहा तुम हंस नहीं रहे थे सर बताओ तुम बताओ आंसर बताओ उस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था आता है बता रही बताओ 16.5 रुपए बहुत अच्छे तुम्हें हाथ नीचे करने के लिए इसने बोला ऊपर करो तो इनको क्वेश्चन जान से बताई पढ़ती है तुम भी पढ़ते करते सर उसने तो सिर्फ कॉलेज जाना होता मैं घर में हाउस वाइफ हूँ मुझे काम करने होते हैं फिर पढ़ाई भी करनी होती है तो पढ़ाई करनी होती है कर ही सकते पढ़ाई सर ये झूठ बोल रही है इसे कोई काम नहीं करना होता सारा काम मेरी मम्मी करते हैं ये ऐसे घर से बहुत अमीर घर से है ये कुछ काम वाम करना होता है ये काम की वजह से तो पढ़ाई का बहाना करके पढ़ाई लेकर बैठी रहती है सारा झूठ बोलती है नहीं सर मैंने पहले भी SSC की तैयारी करी थी ऐसा नहीं है क्यों बिना बात में करूँगी तो सर इसको काम नहीं करना पड़ता काम का एक बहाना है काम तो सारा मेरी मम्मी का देती है अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो सही से ठीक है नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो क्यों बस खराब कर रहे हो घर वालों को या हस्बैंड करने का पढ़ना है तो सही से पढ़ो 2 दिन होते हैं एग्जाम के पढ़ो